गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पर सुबह सुबह फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। क्या चल रहा है भाई? दोनों मामा भांजी मिलके यहाँ पर बना रहे हैं मैगी। नहीं, कौन सा माही? इप्पी नूडल्स। क्या क्या डाला है आपने इसमें? वही प्याज, टोमेटो, प्याज और टोमेटो और जिस मसाला, मैगी का मसाला। yes. उसमें पानी डाल दिया। yes. और बाकी के मसाले डाले? yes, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चिली पाउडर, चिली पाउडर और थोड़ा सा तिखट, थोड़ा सा तिखट, पाउडर और बस पानी डाल दिया, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, पानी डाल दिया बस। अरे तू वो रेसिपी तो डर कैसे आ गया भाई? बता देना, ठीक है? खाने को बुला देना। हाँ, बनने के बाद बता देना, हम लोग आ जाएंगे खाने के लिए, या तो आप प्लेट लेके आना वहाँ पे। ये पापा के लिए बन रही है चाय और ये मैगी, ये मैगी, मैगी ये आता है मुंह में मेरे, क्या बोलते हैं, इप्पी, इप्पी नूडल्स, ये मामा के लिए और सबके लिए बन रहे, मतलब जो जो खाने वाला है। कैसे मामा, आप डाइटिंग पे हो इसीलिए? ये कच्ची कोमड़ी के लिए है, ये वाले कच्चे कुमड़े के लिए भी। हाँ, ये लिए। कौन सा है आपके लिए? ये कौन सा है? ये मेरा है। ये आपका है? अच्छा, हाथ में लेके दिखा, कच्ची कुमड़ी का। माही को ना बहुत ज्यादा मैथ टफ जाता है, और आपको एक राज की बात बताती हूँ माही की, कि हम लोगों ने जब माही की स्कूल चेंज की थी ना, तो उस टाइम क्या हुआ था कि स्कूल की जो एंट्रेंस होती है वो उस टाइम देनी पड़ी थी, और उसमें दो बार उसने मैथ्स की एंट्रेंस दी, क्योंकि मैथ इतना उसको हार्ड जाता है कि आपको क्या बताओ। अभी वो ना एक ऑनलाइन कोर्स कर रही है और मैं उसे पढ़ा भी रही हूँ, तो थोड़ा सा उसका मैथ अच्छा हो रहा है, नहीं तो मैथ बहुत ज्यादा कमजोर था उसका। माही ही नहीं है यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि मैथ में कमजोर होते हैं और मैथ्स उनको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, और ना मैथ में ही उनके बहुत कम जो मार्क्स है वो आते हैं। मैथ्स उन्हें इतना ज्यादा टफ लगता है कि बच्चे पता नहीं उससे क्यों डरते हैं। और आपने देखा होगा कि आपके बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में ही कम होते हैं, है ना? मेरे तो, मैं हमेशा इसके रिजल्ट के टाइम देखती हूँ कि इसके तो मैथ्स में ही कम होते हैं मार्क्स। मैथ्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि सभी सिलेबस में होता है, मतलब जैसे कि आप MBBS कर रहे हो, आप कोई डिग्री कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी जगह मैथ्स ये सब्जेक्ट होता ही है। इसी वजह से मैथ्स को इजी करने के लिए और माही का मैथ्स का डर भगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अभी मैथ्स मास्टर क्लिनिक, जिसमें से मैं भी सीख रही हूँ और माही भी सीख रही है। मैं इसलिए सीख रही हूँ कि मैं अगर सीखूंगी तो माही को भी सिखा पाऊंगी, और बच्चे हो या हाउसवाइफ हो इसे सीख सकते हैं। मैथ्स मास्टर क्लिनिक ये ऐसा ऐप है कि जो बच्चों की दोस्ती कराता है मैथ्स से, और ऑटोमेटिक उनका जो डर है मैथ्स का वो भाग जाता है। इसमें ना आपको दो मैथ्स रिलेटेड कोर्स मिल जाते हैं, एक है एबेकस और एक है वैदिक मैथ्स। एबेकस तो आपने सुना ही होगा, एबेकस से आपके बच्चों का मैथ तो अच्छा होता ही है, बट उससे आपके बच्चों की मेमोरी, IQ लेवल, कंसंट्रेशन और एनालिटिकल स्किल भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि एबेकस का यूज करके बच्चों को एबेकस की इमेज बना के कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपके बच्चों का मेंटल मैथ इम्प्रूव होता है और बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ना इसी वजह से बच्चों का मैथ तो अच्छा हो ही जाता है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके बच्चों को इससे बेनिफिट मिलता है। और वैदिक मैथ ऐसा होता है कि वैदिक मैथ सीखने से आपके बच्चे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो दोनों कोर्सेस है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक कोई भी सीख सकता है, और अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी आप इस दोनों कोर्सेस को सीख सकती हो। मैं भी सीख रही हूँ, मतलब इसलिए सीख सकती हूँ ताकि आप ट्यूशन वगैरह ले पाओ, मतलब आप घर बैठे ट्यूशन भी ले सकती हो और इससे अर्निंग भी कर सकते हो, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसे सीख के आप अपने घर के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो।
अगर आप इन दोनों कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो इन दोनों कोर्सेज की फीस भी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप ट्यूशन बाहर लगाते हो तो वो भी इससे ज्यादा हो जाएगी, मतलब बच्चों के ट्यूशन की फीस भी इससे ज्यादा होगी, इतनी कम इसकी फीस है। और आपको बता दूं एक कोर्स की जो फीस है वो है 2699, मतलब 2699 रुपीज एक कोर्स की फीस है। और अगर आपको दोनों कोर्सेज बाय करने हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 3299, मतलब 3299 रुपीज सिर्फ। आप सोच सकते हो अगर आपके बच्चे ट्यूशन बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि ये कोर्सेज आप बाय कर लो। इसकी वजह से आपको बच्चों को बाहर भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चों का मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। और इसमें आपको लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको इसे बाय करना है तो इसका व्हाट्सएप लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इसका डाउनलोड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप इसकी अधिक जानकारी ले सकते हो। माही को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, आप यूज करके देखिए, आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे और आपके बच्चे मैथ्स के दोस्त बन जाएंगे, मतलब मैथ्स आपके बच्चों का दोस्त बन जाएगा, है ना? जैसे माही का बन गया। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर किस लिए जा रहे हैं तो वो आपको वहां पर ही जाने के बाद पता चलेगा कि क्या लेने जा रहे हैं और किस चीज के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली हम कुछ नई चीज लेने जा रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पर आ गए थे हमारे घर के लिए टीवी देखने, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिनोवेशन हो गया है और रिनोवेशन होने के बाद जो हमारा पुराना टीवी था हम लोगों ने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है, और अभी जो लिविंग रूम का टीवी है वो लाना था हमें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे टीवी देखने। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें थी तो हम लोग कुछ चीज़ें इसमें से पसंद भी आई थी, और वो होता है ना यार, घर पे है तो किस लिए बाद में लेना, तो इसीलिए यहाँ पर जो चीज़ देखने के लिए आए थे वही चीज़ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। यहाँ पर टीवी देखने आए थे, यहाँ पर ना सबसे पहले जो शॉप में आए हम लोग तो वहाँ पर हमें टीवी अच्छे से नहीं मिला, जो हमें टीवी चाहिए था वो नहीं मिला। तो यहाँ पर आप बेड भी देख लीजिए, बेड बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बेड थे मतलब उसका पूरा सेट ही था, बेड थे और उसके बाद उसकी जो वार्डरोब वगैरह ड्रेसिंग टेबल वो सारा सेट ही था, और उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा वगैरह भी बहुत अच्छे थे। बट हमें टीवी नहीं मिली तो हम लोग उस शॉप से निकल आए और हम लोगों के यहाँ पे जो बड़ा शोरूम है वहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों को मिल गया जो टीवी हमें चाहिए था, मतलब हमें चाहिए था सोनी का टीवी, और सोनी का टीवी वहाँ पर नहीं था। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग मतलब जो इंच का चाहिए था हमें, जिस इंच का हमें लेना था वो टीवी नहीं था वहाँ पर, तो छोटा था थोड़ा सा और एक बहुत ज़्यादा बड़ा था। बट हमें जो हमने जो जगह रखी है टीवी यूनिट में उतना ही हमें टीवी चाहिए था, और वो चाहिए था 50 इंच का टीवी चाहिए था। हम लोगों ने 49 इंच का बैठा वो लिया, और वो लिया है सोनी का टीवी। उसी के लिए डिस्कशन यहाँ पर चल रहा था, मतलब यहाँ पर वो लोग बता रहे थे हमें कि कौन सी इंच लेना चाहिए आपको, कौन सा टीवी लेना चाहिए, कैसी स्क्रीन होती है, क्या होती है, किस चीज़ में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो जो हमें अच्छा लगा, जिसकी क्लियरिटी अच्छी लगी वो हमने लिया। उसके बाद जिस इंच का हमें मतलब हमारे टीवी यूनिट में बैठने वाला था वही लिया हम लोगों ने। एक्चुअली ना वो स्क्रीन के बारे में बता रहे थे, बट ये सब फेक होता है यार, कुछ भी नहीं होता है। आप क्लियरिटी देख सकते हो कौन सी क्लियरिटी अच्छी है, जो हमें क्लियरिटी अच्छी लगी फिर वो लिए। उस उधर का जो सेकंड नंबर का टीवी है ना, जो उसमें चल रहा है सेम सीरियल,
तो वो बड़ा वाला टीवी मुझे पसंद आ गया था, बट वो ना हमारे यहाँ पे बैठता नहीं यार, मतलब उसका पूरा बिल वगैरह होने पे आ गया था। बट हम लोगों ने जब हमारे कारपेंटर को कॉल किया तब उन्होंने बताया कि इतनी इतनी जगह छोड़ी है, तब हम लोगों ने उतनी ही इंच का टीवी लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर होम थिएटर भी देखे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो भी सोनी के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट और कभी लेंगे, अभी तो फ़िलहाल इतना ही, हाँ बजट बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद हम लोग फिर घर पे जाते और उसके बाद खाना बनाते, सब लोग आ गए थे ना यहाँ पे, मतलब सब साथ में पूरी फैमिली आ गई थी, तो इसी वजह से हम लोग फिर बाहर ही खाना खाने आ गए। तो यहाँ पर आ गए हम लोग खाना खाने, थोड़ा सा पास में ही था तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग खाना खाने आ गए इस होटल में। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा निकल गया इस चीज़ में, क्योंकि क्या हुआ कि हम लोग पहले उस शॉप में गए, डायरेक्ट हम लोग उस मॉल में जाते ना तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ें हमारे घर की ली है उसी मॉल से ली है, केडिया करके नाम है उस मॉल का, तो उसी मॉल से ली है। बट हम लोगों का पता नहीं, हम लोगों ने पास के चक्कर में उस वाले शोरूम में चले गए थे हम लोग, और वहाँ पर हमें अच्छा नहीं मिला, इसी वजह से हम लोग फिर दोबारा से वही मॉल में चले गए। और उस मॉल में जब भी जाते हैं ना तो जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो मिल जाती है, तो इसीलिए हम लोग गए फिर और मिल भी गई हमें चीज़ और ले भी ली। और वो मॉल कैसे बड़ा है ना, तो इसी वजह से बिलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए बहुत टाइम लग गया था हमें। और यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर भी सारा फुल था, मतलब जो भी टेबल्स थे तो वो सारे फुल थे, तो इसी वजह से वेट करना पड़ा। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने भी यहाँ पर इंजॉय किया, बच्चे खेल रहे थे तब तक हम लोग सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे। तो फिर फाइनली हमारा एक टेबल हमारे लिए खाली हो गया, फिर हम लोग गए अंदर, उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। एक्चुअली सबसे ज़्यादा भूख लगी थी मेरे छोटे वाले भाई को, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि उसने ना घर पे खाना ही नहीं खाया था, वो सिर्फ नाश्ता करके ही आया था, इसी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी और उसका मुँह ना इतना सा छोटा सा हो गया था। और जब तक हम लोगों ने ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर आने तक भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसमें भी उसको वेट नहीं कर पा रहा था वो, तो कुछ नहीं हो जाता है। और क्या हो गया था, तो उधर हमारे यहाँ पे ये जो टेबल है तो वो टेबल इतना बड़ा नहीं था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तीन उधर और तीन इधर बैठ गए थे, बट हम लोग बहुत ज़्यादा थे तो वो छोटा वाला टेबल भी अटैच कर दिया यहाँ पे, तो फिर हम लोग पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही थी। और हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। सबसे पहले ना स्टार्टर में हम लोगों ने मसाला पापड़ मंगा लिए थे, तो मसाला पापड़ खा लिए, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑर्डर की। और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है यहाँ की, मतलब मुझे ना यहाँ की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इसी वजह से मुझे जब भी ज़्यादा भूख लगती है ना मैं यहाँ पे ही आती हूँ, नए नए जो होटल्स है वो ट्राई नहीं करती हूँ। और जो जब मुझे कम भूख लगती है, मतलब जैसे ही ऐसे कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं या ऐसे ही जा रहे हैं, तो मैं अलग अलग होटल जो है वो ट्राई करते रहते हैं हम लोग। और जब ज़्यादा भूख लगती है ना तो हम लोग यहाँ पर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना हमें पता है, यहाँ की टेस्ट हमें पता है, बहुत अच्छी रहती है इसी वजह से। और देखो नई भाभी जो है वो उसकी तरफ इसी वजह से देख रही है क्योंकि वो उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था खाना। और हाँ, नरगिसी कोफ्ता ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है, तो हम लोग जब भी आते हैं ज़्यादातर नरगिसी कोफ्ता ऑर्डर करते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसने ना जो मेरा छोटा भाई है उसका फेवरेट दम आलू है, और मेरे हमेशा के फेवरेट, मतलब ऑल टाइम फेवरेट मेरा पनीर है, तो इसी वजह से मैंने पनीर ऑर्डर किया था और सबका फेवरेट ये क्या बोलते हैं नरगिसी कोफ्ता वो ऑर्डर किया था, तो ये सब खाने में है और बहुत ज़्यादा टेस्टी था नरगिसी कोफ्ता। बट ना ये जो पनीर है वो उसकी बात बताती हूँ आपको, तो उसका एक किस्सा ही हो गया। उसका क्या हो गया था कि मतलब स्पाइसी के चक्कर में इतना ज़्यादा स्पाइसी मंगा लिया हम लोगों ने, कोई उसे अच्छे से खा नहीं पाया, मतलब सबकी प्लेट में वो वैसे वैसे ही रहा, इतना ज़्यादा तीखा हो गया था वो कि आपको क्या बताओ। और वो स्पाइसी ऑर्डर किया था श्रीकांत ने, श्रीकांत को ही हम लोग फिर बाद में चिढ़ा रहे थे कि लो ना और स्पाइसी लो और स्पाइसी लो करके। बट हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब भी खाना खाने जाते हैं तो एक ना एक सब्जी ऐसी हुई जाती है कि जो अच्छी नहीं आती है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं घर पर, और घर पर सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, और वहाँ पर टीवी भी आ गया है हमारा, तो बस नेक्स्ट डे इंस्टॉलेशन होगा टीवी का, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखो आते ही श्रीकांत ले रहा है पैरों की मसाज, और उसके बाद यहाँ पर सब लोग बैठे हैं क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो गया था खाना, तो यहाँ पर ऐसे ही सब लोग बैठ गए हैं और खाने की ही बात चल रही थी हमारी। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो।
चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। जाते जाते लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना।